नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 20 अप्रैल गुरुवार के दिन है अमावस्या। अमावस्या बहुत ही भारी दिन होता है। आज के दिन आप इस उपाय को जरूर करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आज पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का वैसे तो आंशिक अंश ही रहेगा भारत में, लेकिन फिर भी ग्रहण जब भी पड़ता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, पूरी सृष्टि पर, पूरे यूनिवर्स पर, यूनिवर्स के हर जीव पर, पेड़ पर, पौधों पर, हर प्रकार के जीवों पर इसकी असर होती है। सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों, सूर्य से जुड़े हुए मंत्रों का आप मन ही मन जितना ज्यादा जाप करेंगे, आपके सूर्य उतने ही ज्यादा मजबूत बनेंगे। पिता से आपको प्रेम मिलेगा, दुनिया समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके यश और कीर्ति बढ़ेगी, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चलेगी। ग्रहण के समय कौन कौन से मंत्रों का जाप करना है, इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ढेरों वीडियोस मैंने अपने चैनल अननोन वर्ल्ड बाय वीना में अपलोड कर दी है, तो आप जरूर इस चैनल को ओपन करें और इन वीडियोस को देखें। सारे उपाय ना कर पाए तो कोई बात नहीं है, जितने उपाय कर सकते हैं उतने जरूर करें। दिन भारी है, अमावस्या है, तो आज के दिन स्नान करने से पहले स्नान के पानी में थोड़े से काले तिल जरूर डालें। काले तिल मिश्रित जल से स्नान करने से पितृ दोष शांत होते हैं, शनि देव प्रसन्न होते हैं, अमावस्या के लाभ मिलते हैं माइनस मिलने के बदले। कई बार हमें किसी सब्जेक्ट, किसी भी दिन का आप देखो, वही दिन एक के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है, दूसरे के लिए माइनस पॉइंट बन जाता है। जिन लोगों ने उपाय किए हुए हैं उस ग्रह को प्रसन्न करने के, उनके लिए वो दिन बहुत ही खास हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जो उपाय नहीं करते हैं उनके लिए वही दिन बहुत ही बर्बादी का कारण बन जाता है। आज के दिन स्नान के पानी में काले तिल मिलाएं और शरीर पर सरसों के तेल की मालिश जरूर करें। सरसों के तेल की अच्छे से मालिश करें, उसके बाद ही आप स्नान करें। अमावस्या के दोषों से आपको राहत मिलेगी, करके देखिए। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही है तो कल बस मिली करके पूछ। जय श्री कृष्ण।